हेलो दोस्तों नमस्ते स्वागत है आप सभी का कल्याणी फैमिली ब्लॉग एंड सिलाई चैनल पर तो कैसे हैं हाँ आप सब मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ रागी का ढक्कन डब्बा रोटी बनाने की रेसिपी इसको खपरी रोटी भी बोलते हैं और झारखंड में हम लोग का झारखंड में इसको रागी को मड़ुआ बोलते हैं तो देखिए मड़ुआ का आटा से कितने परफेक्ट तरीके से जालीदार ये ढक्कन डब्बा रोटी बना है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है तो एक बार मेरे तरीके से बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह की बहुत सारी रागी का डिश देखने के लिए तो मैं इसका रेसिपी डाली हूँ फुलके बनाने की पराठे और छिलका रोटी बनाने की आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो का सभी तरह का डिश का मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हूँ उस पर आप देख सकते हैं बनाना शुरू करते हैं रागी का ढक्कन डब्बा रोटी तो इसको बनाने के लिए हम लिए हैं एक कटोरी रागी का आटा और इसको घोल लेंगे पहले तो यहाँ पर हम लिए हैं एक गिलास पानी और इसमें आधा आधा करके हम एक गिलास पूरा पानी डाल देंगे तो ये 250 सौ का है ये गिलास तो एक गिलास अभी पानी हम डाल रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा हमें पतला अभी घोल नहीं बनाना है कुछ इस तरह का ही घोल बनाएंगे और अब इसमें हमको डालना है उड़द का दाल तो उड़द का दाल डालने से बनता है और ये उड़द का दाल हम रात को ही फुलाए थे अभी मैं इसको सुबह में बना रही हूँ तो रात में सिर्फ एक मुट्ठी एक कटोरी रागी का आटा के लिए एक कटो एक मुट्ठी ही उड़द का दाल को बिना छिलके वाला को फुला करके और इसको धो लिए हैं और इसको अब डाल देंगे हम मिक्सी के बड़े वाला जार में हम एक ही बार में इसको पीस लेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है अभी हम जो घोल बनाए हैं तो उतना घोल में हम ऊपर से पानी नहीं डालेंगे और इसमें डाल देंगे आधा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक और इसको हम पीस लेते हैं पहले तो रागी का आटा तो पिसा हुआ है पर उड़द का दाल को हमें मिलाना है पीस करके तो साथ में ही मिला देंगे पीस कर इस तरह से और देखिए बिना पानी डाले ही हम ऐसे पीस लिए हैं सिर्फ एक गिलास पानी डाले थे और अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे दो तीन चम्मच और जो जार में लगा हुआ है रागी आटा उसको इस तरह से हिला लेंगे और इसको भी हम निकाल लेंगे बाउल पर देखिए निकाल लिए हैं और हम इसको अब मिला लेते हैं तो एक दो मिनट मिला लेंगे हम इसको और इसको देखिए इस तरह से इसका कंसिस्टेंसी रखना है बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है नहीं तो नहीं बनेगा और इसको परफेक्ट तरीके से बनाने के लिए इस तरह से इतना गाढ़ा ही हमें इसका घोल रखना है तो इस बात को ध्यान रखना है और तभी बनेगा और नहीं तो नहीं बन सकता है रागी का आटा बनाना तो आसान ही है पर कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है तो हम इसको अब साइड में रख देते हैं मिला लिए हैं इसको दो तीन मिनट घोल करके और नमक सिर्फ डाले हैं और इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे और इसको हम बनाएंगे इस तरह का मिट्टी के बर्तन पर तो मेरे घर में ये अक्सर बनते रहते हैं हर एक दिन दो दिन में तो ये देखिए आप देख ही सकते हैं अंदर से काला हुआ है और ये बहुत पुराना है मेरा मिट्टी का बर्तन और मेरे घर में कभी चावल का कभी रागी का बनते ही रहता है तो हम इसको रख दिए हैं गैस पर और ये अब देखिए गर्म हो गया है और इसमें हमें तेल ज़्यादा नहीं डालना है सिर्फ दो बूंद ही तेल डालेंगे इस तरह से और इसको हम इस तरह से जो कॉटन का कपड़ा है जो पुराना वाला होता है उसी से हम इसको साफ कपड़े से इस तरह से मिला लेंगे तेल ज़्यादा हो जाएगा तब भी नहीं बनता है तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रागी का खपरी रोटी बनेगा और देखिए हम मिला लिए हैं और ये गर्म हो गया है लो टू मीडियम आँच पर ही बनाएंगे और इसमें हम डाल देते हैं अब एक रागी का घोल एक कलछी इस तरह से बीच में सावधानी से डालेंगे और इसको हम अभी अभी ढक दाक देंगे ढकने के बाद एक मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे हाई फ्लेम पर बहुत जल्दी जलने लगता है तो इसको इस तरह से एक मिनट ही पकने देंगे और देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पक गया है आप ढक्कन को हटा करके देख भी सकते हैं अगर नहीं पका हुआ रहेगा तो रागी का घोल दिखेगा आपको और पक जाएगा तो इस तरह से जमा हुआ रहेगा तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं और इस तवे पर हम फिर से तेल नहीं डालेंगे बार बार तेल नहीं डालना है तो हम जिस कपड़े से इसको तेल को मिलाए थे इसमें उसी कपड़े से एक बार सिर्फ ऐसे ही मिला लेंगे इसमें तेल नहीं डालेंगे और एक कलछी फिर से हम इसमें डाल देंगे रागी का घोल तो बार बार तेल डालने से अच्छा नहीं बनता है इसको इसको बनाने के लिए हमें कब बीच बीच में कभी कभी एक दो बूंद डालना पड़ता है तो ये बहुत अच्छे से बनता है और पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है तो ये देखिए कितने अच्छे से पक गई है ये और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और जालीदार बनता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और अब हम इसको निकाल लेते हैं देखिए बिल्कुल आसानी से निकल जाता है इस तरह से किनारे किनारे से छोड़ा लेंगे तो छूट जाता है और आँच को लो कर देंगे तो तब भी बहुत अच्छे से किनारी को छोड़ देता है और देखिए कितने परफेक्ट तरीके से पकी है और कितना जालीदार और सुंदर दिख रहा है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है तो मेरे तरीके से एक बार जरूर बनाइएगा दोस्तों और आप लोग घर में इसको बच्चों को दीजिएगा तो बहुत पसंद करेंगे बड़े भी पसंद करेंगे बनाना तो आसान है ही आप देख ही रहे हैं तो कुछ कुछ बातों का ही ध्यान रखना है तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये बनती है तो अभी तवे पर हम फिर से तेल नहीं डालेंगे हम इसमें दो रोटी बना चुके हैं और अभी ये तीसरा रोटी बनेगा और इसमें हम अभी भी तेल नहीं डालेंगे तो ये देखिए अभी कुछ देर होने के बाद रागी का घोल पतला होने लगता है ऊपर से और नीचे गाढ़ा हो जाता है जम कर तो इसको हम इस तरह से घोल लेंगे पहले मिला लेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे और तेल हम अभी भी नहीं डाले हैं इस तवे पर तो बार बार तेल नहीं डालना है इस बात का ध्यान रखना है और नया अगर आपका जो ये तवा है तो नया है अगर तो उसमें आप पहले पानी पका लें तेल डाल करके उससे भी अच्छा बनता है और पुराना है तो आप तो जान ही रहे होंगे पुराना वाला अच्छा होता है बनाने में और देखिए ये भी बिना तेल का बन रहा है तो ये अब बिना मसाले का बिना तेल का तो बहुत ही अच्छा होता है ये खाने में इस तरह से बिना तेल मसाले का रोटी तो आप लोग जो आप लोग के घर में भी बहुत पसंद किया जाएगा आप लोग भी बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोग का कैसा बना था एक लाइक कीजिएगा और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा तो ये देखिए अभी इसमें हम तीन रोटी बना चुके हैं और बीच में थोड़ी सी चिपक गई थी तो उसको अभी निकाल लिए हैं और अभी हम इसमें दो बूंद और तेल डालेंगे आप कोई सा भी रिफाइन तेल या सरसों तेल इसमें डाल सकते हैं और फिर से हम इसको मिला लेंगे तेल बिल्कुल भी रहने नहीं देंगे कपड़े से मिला लेंगे पुराने कपड़े से और उसके बाद हम इसमें डालेंगे रागी का घोल और इसको फिर से ढक देंगे और एक मिनट में ही पक जाता है देखिए कितने अच्छे से और बिल्कुल भी लेट नहीं लगता है और कभी आप इस तरह का रोटी बनाए थे कि नहीं रागी का तो इसे भी बताइएगा कमेंट करके और कैसा लगा मेरा वीडियो ये भी और मेरे घर में तो हर दूसरे दिन ये रोटी बनता है और मेरे बच्चों को मेरे परिवार में सभी को पसंद है और हमको भी पसंद है परिवार को भी पसंद है और मेरे घर में हर दूसरे दिन ही बनता है मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और ये देखिए मैं इसी तरीके से एक कटोरी रागी से बहुत सारा इस तरह से ढकन रोटी बनाई हूँ और ये अभी बन ही रही है और कुछ बनाना बाकी ही है और इतना बन गया है और ये बिल्कुल ऑयल फ्री तेल मसाले बिल्कुल भी नहीं है तो आप इसको वेट लॉस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप चटनी के साथ या फिर रसे वाली सब्जी के साथ खा सकते हैं ये देखिए कितने अच्छे से जालीदार बने हैं साइड साइड में और बीच में भी जालीदार है पर बीच का नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें फूल गया था यहाँ पर तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको पर अभी ठंडा हुआ ना तो थोड़ा चिपक गया है पर यहाँ पर फूल गया था और पीछे से भी बहुत अच्छे से पका है और इसको तोड़ करके दिखाते हैं देखिए इस तरह से जालीदार है अंदर से पूरा छेद छेद हो जाता है तो पूरा नरम लगता है खाने में और स्वादिष्ट लगता है और आप इसको चटनी के साथ सब्जी के साथ खा सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है और इसमें बिल्कुल भी तेल मसाला नहीं पड़ा है तो आप इसको कभी भी गर्मी ठंडा बरसात कभी भी कोई भी सीजन में खा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है पर मेरे घर में ये पसंद किया जाता है दूध के साथ तो ये हाफ लीटर दूध है और इसको हम बॉयल करने के लिए रख दिए थे बनाते बनाते रोटी बनाते तक में ये बॉयल हो गया था तो अब इसमें हम चीनी डाल करके घुलने दिए और अब इसमें डाल देंगे हम ये सारे ढक्कन डब्बा रोटी को तो मेरे घर में इसी तरीके से बच्चों को पसंद है और सारे को डाल करके और फिर इसमें को दो तीन मिनट गर्म दूध में ही ढक करके रख देंगे या पाँच मिनट भी और उसके बाद इसमें सब बहुत अच्छे से फूल जाएगा रोटी और ये खाने में बहुत नरम और एकदम स्वादिष्ट लगता है बिल्कुल मिठाई की तरह लगेगा और इस तरह देखिए आप चम्मच से मैं काट रही हूँ बिल्कुल आसानी से कट जा रहा है और इसमें सब तरफ से दूध से फूल गया है तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और बच्चों को ऐसा रेसिपी बहुत पसंद है इस तरह से खाना तो ये देखिए मैं इसको आसानी से इस तरह से काट लेती हूँ पहले और मेरे घर में ऐसे ही बहुत पसंद करते हैं दूध के साथ खाना और हम लोग का आज का नाश्ता यही है तो बच्चे तो खा करके चले गए हैं अभी स्कूल और मैं हूँ घर में अभी और आज मैं मंदिर गई थी मंदिर से आते आते बहुत लेट हो गया था तो अभी हम नाश्ता कर लेते हैं और आज बना है लौकी और आलू का सब्ज़ी और ये रागी का ढक्कन डब्बा रोटी तो आप लोग देखें कि कितना आसान तरीके से मैं बनाती हूँ तो आप लोग भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा इस तरह से डिश बनाना रागी का और इसी तरह के रागी के बहुत तर, तरह की डिश देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पर तब तक के लिए बाय